Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. राजस्थान की सियासत में अशोक गहलोत विधानसभा सत्र के जरिए सचिन पायलट खेमे को सियासी मात देना चाहते थे। गहलोत अपनी सरकार के लिए विश्वास मत हासिल करने की रणनीति के तहत विधानसभा सत्र बुलाने के लिए राज्यपाल कलराज मिश्र से गुहार लगाई थी, लेकिन राज्यपाल राजी नहीं है। इसके बाद राजभवन के घेराव की चेतावनी और यहाँ धरना देकर गहलोत ने राजभवन से ही टकराव मोड़ ले लिया है। राजस्थान जैसा वाकया ढाई दशक पहले उत्तर प्रदेश की सियासत में भी हो चुका है। इन दोनों सियासी घटनाओं में कलराज मिश्र ही मुख्य किरदार में हैं। राजस्थान के पद पर कलराज मिश्र विराजमान है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सदन बुलाने की मांग को लेकर राजभवन में अपने समर्थक विधायकों के साथ धरना दिया है। ऐसे ही 25 साल पहले यूपी के राजभवन में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए कलराज मिश्रा ने धरना देकर राज्यपाल से सरकार को भंग करने की मांग कर रहे थे। उत्तर प्रदेश में 1993 में सपा बसपा ने मिलकर चुनाव लड़ा था और बीजेपी का सफाया कर दिया था। मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बने थे। सरकार बनने के दो साल के बाद सपा बसपा गठबंधन में दरार पड़ने लगी थी। ऐसे में कांशीराम ने मायावती को उत्तर प्रदेश में बसपा नेताओं के साथ बैठक करने के लिए भेजा था। मायावती 2 जून 1995 को दोपहर में बसपा नेताओं और विधायकों के साथ लखनऊ के वीआईपी गेस्ट हाउस में बैठक कर रहे थे। इस बात की चर्चा तेज हो गई थी कि मायावती सपा के समर्थन वापस ले सकती है। इस बात की भनक लगते ही समाजवादी पार्टी के कुछ नेता गेस्ट हाउस पहुंच गए और उन्होंने बसपा विधायकों को उठाना शुरू कर दिया, जिसके बाद मायावती ने अपने नेताओं के साथ एक कमरे में खुद को बंद कर लिया था। लखनऊ के वरिष्ठ पत्रकार अमित शर्मा बताते हैं कि गेस्ट हाउस कांड की खबर बीजेपी नेता ब्रह्मदत्त त्रिवेदी को लगी। उन्होंने गेस्ट हाउस पहुंचे और बाकी पार्टी के नेता भी सक्रिय हो गए। कलराज मिश्र उस समय बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे। 2 जून 1995 को शाम होते होते कलराज मिश्र बीजेपी नेता के साथ राजभवन पहुंच गए और राज्यपाल मोतीलाल वोरा का घेराव कर मुलायम सरकार को बर्खास्त करने की मांग करने लगे। कलराज मिश्र ने बीजेपी नेताओं के साथ धरने पर बैठे थे। अमित वर्मा कहते हैं कि कलराज मिश्र बीजेपी नेता के साथ काफी देर रात तक राजभवन पर धरने पर बैठे थे। उस वक्त केंद्र में नरसिम्हा राव की सरकार थी, जो किसी भी फैसलों को बहुत विचार विमर्श करने के बाद ही करती थी। इसलिए तत्कालीन राज्यपाल मोतीलाल वोरा को फैसले लेने में काफी देर हो रही थी और 3 जून 1995 को राज्यपाल ने मुलायम सरकार को बर्खास्त किया, जिसके बाद मायावती बीजेपी के समर्थन से मुख्यमंत्री बन गई थी। कलराज मिश्र ही नहीं बल्कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भी राज्यपाल के खिलाफ धरने पर उत्तर प्रदेश में बैठ चुके हैं। अमिता वर्मा बताती हैं कि 1998 में बीजेपी नेता राजभवन का घेराव कर चुके हैं। 1998 में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रमेश भंडारी थे और उन्होंने तत्कालीन कल्याण सिंह सरकार को बर्खास्त करके जगदम्बिका पाल को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला दी थी। हालांकि जगदम्बिका पाल महज एक दिन के लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बने रहे थे। अमिता कहती हैं कि इस राजनीतिक घटनाक्रम ने बीजेपी को अंदर ही अंदर हिला दिया था। इस बात की खबर पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी को लगी तो वो उस समय लखनऊ के दौरे पर थे और वीआईपी गेस्ट हाउस में ही रुके थे। राज्यपाल रमेश भंडारी के खिलाफ वाजपेयी राजभवन धरने पर आ रहे थे, लेकिन बाद में वे गेस्ट हाउस में ही धरने पर बैठ गए थे। हालांकि राज्यपाल ने दूसरे दिन ही जगदम्बिका पाल को हटा दिया और कल्याण सिंह को सत्यापन बने रहे। न्यूज रूम से न्यूज लाइव की रिपोर्ट। सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स।